अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फोन वर्ल्ड लाइव। आज आप देख सकते हैं मेरे हाथ में बिल्कुल एक लेटेस्ट स्मार्टफोन डिवाइस है जो कि ऑनर की, आप इसे फ्लैगशिप डिवाइस भी कह सकते हैं। और ये डिवाइस बाकी कंट्रीज़ में तो अवेलेबल थी काफ़ी पहले से, लेकिन पाकिस्तान में अभी अभी लॉन्च किया है। तो इसको मैंने अभी तक जितना यूज़ किया और जितना मेरे साथ इसका एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके लिहाज से मुझे जो इसके प्रोज एंड कॉन्स फील हुए हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो फिर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इस डिवाइस का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो स्मार्टफोन का डिज़ाइन है। हाँ, मैं आपको बताता चलूँ, जो काफ़ी ज़्यादा फोकस किया ओनर ने इसके डिज़ाइन के ऊपर, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इसकी बैक पर ऑरोरा ग्लास यूज़ किया गया है, जिसकी स्पेशलिटी है कि वो ड्यूल टोन शो करती है। यानी कि आप देख सकते हैं इसकी बैक पर भी जो कलर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि कभी ये ब्लू आपको नज़र आएगी, कभी पर्पल नज़र आएगी, काफ़ी मज़े मज़े के टोन्स आपको इसके फील होंगे बैक पर। फिर रिव्यू शुरू होने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, आप इसकी बैक पर देख सकते हैं ये AI कैमरा लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कैमरा है। वेल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कैमरा से मुराद ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि लेटेस्ट चिपसेट ही सपोर्ट करती है, जिसके अंदर ये क्वालिटी है कि वो इंसान की तरह सोचने की सलाहियत रखती है। यानी कि इट हैज़ एबिलिटी टू थिंक लाइक ह्यूमंस। जैसे कि इसको मैंने जब टेस्ट किया था कैमरा को, स्पेशली जब मैं टेस्ट कर रहा था, तो आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर जब इसका फोकस करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने ग्रास पर फोकस किया है, गाड़ी पर फोकस किया है, किसी भी चीज़ पर, किसी डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर आप फोकस करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली उसको रिकग्नाइज कर लेगा, उसके मुताबिक उसकी सेटिंग्स ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देगा। या किसी कलरफुल चीज़ की पिक्चर लेना चाहते हैं तो आप उस पर फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके कलर्स को इन्हेंस कर देगा, उसकी सेचुरेशन को बढ़ा देगा, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़े का लगा फीचर, क्योंकि आपको एडिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जल्दी जल्दी पिक्चर शूट कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली उसकी सेटिंग्स के मुताबिक इसको रिकग्नाइज करके उसकी सेटिंग्स को मज़ीद इन्हेंस करता रहता है। और फिर इस डिवाइस की एक और बहुत अच्छी बात यह भी है कि इसके अंदर आपको हाई सिलिकॉन का किरण 970 का चिपसेट मिल रहा है, जो कि हवावे का लेटेस्ट चिपसेट है, जो कि अभी तक सिर्फ आई थिंक P20 Pro में ही मैंने यूज़ किया था, जो कि फ्लैगशिप डिवाइस है हवावे P20 Pro, जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट इससे डबल है, क्योंकि उसकी प्राइस तकरीबन 1 लाख है। तो ये बहुत कम प्राइस में कंपेरेटिवली आपको वही वाला चिपसेट प्रोवाइड करे, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जिसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और हाँ, व्यूअर्स, इस डिवाइस में भी आपको बाकी फ्लैगशिप डिवाइसेस की तरह IR ब्लास्टर भी मिल रहा है, NFC भी मिल रहा है। और भी इस डिवाइस की एक बहुत अच्छी बात मैंने ये भी फील की कि ऑल्दो बाकी डिवाइसेस में भी आपको मिल जाते हैं फास्ट चार्ज का फीचर, क्विक चार्ज का फीचर, लेकिन जो इस डिवाइस का में फास्ट चार्जिंग का फीचर है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। यानी कि तकरीबन 50 मिनट्स या मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर आपकी बैटरी को फुली 100% चार्ज कर देता है। तो हाँ व्यूअर्स, इस डिवाइस में भी क्योंकि कैमरा ही इसकी स्पेशलिटी है, तो इस डिवाइस में भी आपको 4K रिकॉर्डिंग का फीचर मिल रहा है। ना सिर्फ 4K रिकॉर्डिंग का फीचर मिल रहा है, बल्कि आप इस डिवाइस के अंदर 60 फ्रेम्स पर सेकंड पर भी 1080p तक की वीडियो शूट कर सकते हैं, जो कि बाकी डिवाइसेस में आपको नहीं मिलता। तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि जब आप 60 फ्रेम्स पर सेकंड पर वीडियो शूट करेंगे तो वो भी 1080p के रेजोल्यूशन में आपको मिलेगी, उसको बाद में आप एडिटिंग में स्लोमो में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इससे आपके रेजोल्यूशन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि कुछ वेबसाइट्स पर इसके मेंशन था कि इसके अंदर इसका एक कॉन बताया गया था कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का फीचर नहीं आपको मिल रहा, लेकिन इसका जब से नया सॉफ्टवेयर अपडेट आया था तो मैंने इसको रिसेंटली अपडेट किया, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद इसके अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी मुझे मिल गया है, जिसके बाद आपकी वीडियोस काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हो जाएंगी। और हाँ, इसका एक इंटरेस्टिंग फीचर मैंने ये भी देखा है इसके अंदर, इसके कैमरा में 3D क्रिएटर का फीचर भी अवेलेबल है, जो कि आपको iPhone 10 में मिल रहा था, जिसके थ्रू आप किसी भी बंदे की इमेज कैप्चर कर सकते हैं, उसके फेस की इमेज को कैप्चर करके उसको एक इमोजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप उस इमोजी को किसी वीडियो फॉर्म में या किसी GIF फॉर्म में सेव करके अपने दोस्तों को सेंड कर सकते हैं, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा मज़े का लगा। और हाँ व्यूअर्स, इसके फिंगरप्रिंट सेंसर में भी एक मज़े की बात यह है, जो कि आपको iPhone 10 में भी नहीं मिलती, वो ये है कि आपका अगर फिंगर आपकी वेट है, थोड़ी सी गीली है, तो अब अगर आप फिंगरप्रिंट सेंसर को यूज़ करेंगे तो आपके फिंगरप्रिंट सेंसर रिस्पॉन्ड नहीं करता यूजुअली iPhone 10 में भी, लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हैं एक बार तो नहीं लेकिन दूसरी बार, जब आप दूसरी तीसरी बार इसकी फिंगरप्रिंट सेंसर को, बेशक आपकी फिंगर गीली है, आप टच करेंगे फिर भी आपका स्मार्टफोन अनलॉक हो जाएगा, जो कि बड़े मज़े की बात है, जो कि मैंने अभी तक बाकी स्मार्टफोन्स में नहीं देखी। आपको अपना हाथ खुश्क करना ही पड़ता है, लेकिन इसके अंदर आप अपना हाथ गीला रहकर भी अपने स्मार्टफोन को अनलॉक कर सकते हैं। और ऑन दी अदर हैंड, अगर किसी कॉन के बारे में बात की जाए तो व्यूअर्स, मुझे पर्सनली स्मार्टफोन से कोई इतने ज़्यादा कॉन्स तो नहीं फील हुए,
लेकिन एक मुझे इसका कॉन फील हुआ है वो ये है, मे बी वो इसका कॉन ना हो इस वजह से क्योंकि इस्लामाबाद में रिसेंटली टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि एवरेज पर 42 इस तरह का टेम्परेचर इस्लामाबाद में अभी है। तो मे बी इसकी वजह से स्मार्टफोन थोड़ा हीटअप होना शुरू हो गया था, स्पेशली जब मैंने इसका अनटूटू का 3D टेस्ट टूल किया और जब मैंने ज़्यादा देर तक इसमें गेमिंग की तो मैंने देखा इसकी बैक थोड़ी हीट होना शुरू हो रही थी। तो आई थिंक ये मे बी इसका कौन है या मे बी ना हो क्योंकि इस्लामाबाद का टेम्परेचर ऑलरेडी इतना ज़्यादा है, इस तरह से फील हो रहा है। एंड सेकेंडली ये स्मार्टफोन वाटर रेजिस्टेंट नहीं है और क्योंकि हवावे P20 Pro आपको स्प्लैश प्रूफ मिल रहा था लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई फीचर नहीं अवेलेबल, तो आपको इससे इस स्मार्टफोन को पानी से बचाना पड़ेगा। बिल्ड इसकी बैक पर ग्लास की है लेकिन ग्लास वही आप देख सकते हैं बड़े मज़े की ग्लास है जो कि मल्टी टोन के साथ है। इसकी फ्रेम जो है वो एलुमिनियम का यूज़ किया गया है। इसकी बैक पर इसके टॉप पर दो कैमराज इसके अवेलेबल है जिनमें से 16 मेगापिक्सल का लेंस और 24 मेगापिक्सल का लेंस अवेलेबल है। उसके साथ इसकी फ्लैशलाइट और इसकी बॉटम में आप देख सकते हैं इसकी 3.5 mm की ऑडियो जैक आपको मिल रही है, USB टाइप सी की पोर्ट मिल रही है और इसकी स्पीकर्स और इसके एक प्राइमरी माइक अवेलेबल है। राइट साइड पर आपको इसकी पावर कीज़ और इसकी वॉल्यूम कीज़ मिलती हैं जबकि लेफ्ट साइड पर आपके पास स्लॉट्स अवेलेबल हैं। स्लॉट में मैं आपको बता दूं इसके अंदर आपको एक्सपेंडेबल SD कार्ड की स्लॉट कोई नहीं मिल रही, सिर्फ दो स्लॉट्स अवेलेबल हैं जिनमें से दोनों नैनो सिम की स्लॉट अवेलेबल हैं, यानी कि आप इसके अंदर ड्यूल सिम यूज़ कर सकते हैं लेकिन मेमोरी को एक्सपेंड नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल से आपको मेमोरी एक्सपेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी भी कोई नहीं क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज अवेलेबल है जिसमें से 64GB और 128GB के वेरियंट्स आपको मिल रहे हैं। और टॉप पर आपको एक इसका सेकेंडरी माइक भी मिल रहा है और IR ब्लास्टर भी मिल रहा है जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस कंट्रोल कर सकते हैं, ACs, TVs वगैरह रिमोट के तौर पर भी ये स्मार्टफोन आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर फ्रंट साइड पर देखा जाए तो आप देख सकते हैं इसका बेजल साइज़ भी तकरीबन बराबर ही मुझे लगा है P20 Pro के। हाँ, इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है उसका क्योंकि 6.1 inches कुछ करके था डिस्प्ले, इसका 5.8 something का डिस्प्ले है लेकिन नॉच साइज़ इसका तकरीबन बराबर ही मुझे लग रहा है। बेजल आप देख सकते हैं टॉप पर भी और बॉटन में थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि इसकी बॉटन में आपको फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल रहा है तो उसने थोड़ी सी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है जिसकी वजह से इसका बेजल साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन डिस्प्ले का रेजोल्यूशन ऑलमोस्ट सेम है जो कि आपको P20 Pro में मिल रहा था। और अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो व्यूअर्स, मुझे पर्सनली P20 Pro में और स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ। इवन आप गेमिंग की परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं, PUBG भी उसके अंदर भी अल्ट्रा HD ग्राफिक्स पर बिल्कुल सही चल रही थी जबकि स्मार्टफोन में भी आप देख सकते हैं इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। तो इसका मतलब यह है कि आप स्मार्टफोन डिवाइस में भी अल्ट्रा HD की गेमिंग की परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी गेम्स भी आप इसके अंदर लैग फ्री बिल्कुल खेल सकते हैं। और ये चिपसेट और GPU दोनों इस डिवाइस में सेम है जो कि आपको P20 Pro में मिल रहे थे जो कि हाई सिलिकॉन का केरन का 970 का चिपसेट और इसके साथ GPU इसके अंदर भी माली का G72 का अवेलेबल है जो कि आपको P20 Pro में मिल रहा था। और इसकी परफॉर्मेंस आप इसके Antutu बेंचमार्क के 3D टेस्ट टूल में देख सकते हैं, मुझे तकरीबन सेम ही लगी है, कोई इतना ज़्यादा फर्क फील नहीं हुआ। जितने फ्रेम्स पर सेकंड उसमें मुझे मैंने एक्सपीरियंस किए थे उतने ही मुझे इस डिवाइस में भी मिले। और वे कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे तकरीबन इसकी परफॉर्मेंस कैमरा की सेम ही लगी है, बस ये उसके अंदर के P20 Pro में एक्स्ट्रा लेंस अवेलेबल था आपको मिल रहा था जो कि जूम लेंस था जिसके थ्रू आप काफ़ी मल्टीपल टाइम जूम इन कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर वो एक लेंस सिर्फ मिसिंग है। लेकिन अदर देन दैट जो इसकी AI टेक्नोलॉजी है वो मुझे तकरीबन सेम ही लगी है क्योंकि फ़ौरन से आइडेंटिफाई कर लेता किसी भी ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जांपल ग्रास पे आपने कैमरा किया तो एक ग्रास की सेटिंग सामने लेगा और उसको और ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। बाकी 4K रिकॉर्डिंग इसमें भी अवेलेबल है और लेकिन इसके अंदर जो बैक पर 24 मेगापिक्सल वाला लेंस है वो जूम सपोर्टेड नहीं है, यानी कि आप उसके अंदर बड़े रेजोल्यूशन की पिक्चर तो कैप्चर कर सकते हैं लेकिन आप उसको जूम इन नहीं कर सकते। बाद में आप उसको स्केलिंग कर सकते हैं पोस्ट प्रोडक्शन के थ्रू कंप्यूटर में डाल के लैपटॉप में डाल के, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इस कैमरा के थ्रू आप उसे जूम इन नहीं कर सकते। और हाँ, वही बात, जो अपर्चर मोड आपको P20 Pro में मिल रहा था और अपर्चर मोड में भी आप वीडियो कैप्चर कर सकते हैं और वीडियो में भी आप डेप्थ ला सकते हैं बैकग्राउंड पर, वो मोड आपको इस डिवाइस में भी मिल रहा है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था क्योंकि आप इसके थ्रू वीडियोग्राफी में भी काफ़ी ज़्यादा मज़े की वीडियोग्राफी कर सकते हैं, बैकग्राउंड पर अच्छी खासी डेप्थ ला सकते हैं। और बाकी आप कैमरा सैंपल्स के थ्रू अंदाज़ा लगा सकते हैं, मुझे तो स्मार्टफोन के कैमरा की क्लैरिटी और इसकी डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है और इवन जो बैकग्राउंड डिफ्यूज़ करती हैं बाकी डिवाइसेस कंपैरेटिवली उनके इसका काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। फोरग्राउंड जो फ्रंट ऑब्जेक्ट होता है उसको काफ़ी अच्छे से फोकस किया हुआ है। बाकी आप कैमरा के वीडियो रिकॉर्डिंग मोड भी देख सकते हैं, आपके पास मल्टी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप कौन से मोड पर वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, 1080p, 4K या 60 fps, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। We'll be right back.
ये है फ्रंट कैमरा, फ्रंट कैमरा ऑफ द डिवाइस विच इज़ 24 मेगापिक्सल और फिलहाल इसमें तो अच्छा लग रहा है और आई गेस स्टेबलाइजेशन भी इसकी काफ़ी हद तक अच्छी है, लेकिन ऑडियो क्वालिटी और कलर्स का फाइनल तो मैं लैपटॉप में ट्रांसफ़र करके बताऊँगा, फिलहाल इसमें तो काफ़ी अच्छा लग गया। तो व्यूअर्स ये था Honor 10 का डिटेल रिव्यू और मुझे तो पर्सनली ये डिवाइस बड़ी ज़्यादा मज़े की लगी है और स्पेशली इसका डिज़ाइन और कैमरा, उसका तो मैं फ़ैन हो गया हूँ। और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप कोई फ्लैगशिप डिवाइस ढूंढ रहे हो और अगर आपका बजट इतना है कि आप ये डिवाइस अफोर्ड कर सकें तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस डिवाइस, क्योंकि ट्रस्ट मी डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कोई कम्पीट नहीं कर पाएगा। कैमरा इसका तकरीबन बाकी फ्लैगशिप डिवाइसेस के बराबर है और अगर स्टिल आपके माइंड में इस डिवाइस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। और मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम किसी न्यू डिवाइस के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।